हेडिंग डाल लीजिए डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट ये स्पेशली कोई कंपाउंड है। देखिए अगर आप बात करते हो डायजोनियम सॉल्ट, मेरे पास है एमीन और मैंने एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन करा दी। आपको लैब में एच एन ओ टू डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है एक्वास स्टेट में, तो आप क्या यूज करोगे ऑन द स्पॉट एन ए एन ओ टू प्लस एस सी आर। ठीक है, तो सबसे पहले इससे ये वाला कंपाउंड बनेगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल, लेकिन ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। यस और नो? रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल, रूम टेम्परेचर। ठीक है, आरटी का मतलब रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर यही चीज आपने एमीन यूज कर ली, क्या यूज कर लिया? एमीन, और वही एच एन ओ टू यूज किया, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल प्लस यहां आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, ये स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? स्टेबल है। अब आप कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आपको यहां पर फिनोल चाहिए, यानी ये हट जाए और OH आ जाए, तो आपको गर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट ये मिलेगा डायरेक्ट फॉर्म, आपको इंटरमीडिएट मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है? तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, एमीन को एल्कोहल में चेंज करना हो तो एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन करा दो, और एल्कोहल को एमीन में चेंज करना हो तो बड़े नाटक है। ठीक है ना, बड़े नाटक हो जाएंगे आपके। पहले आप इसको चाहो तो एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज करो, फिर अमोनिया के साथ सब्स्टिट्यूट। एल्काइल हैलाइड के बाद तो अपन ने तीन तीन तरह से कर ही लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करो और फिर चेंज कर लो। कोई दिक्कत समझने में? डायरेक्ट अमोनिया के साथ करोगे तो OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, निकलेगा ही नहीं, नाटक करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये दो पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये स्टेबल हो गया, डायजोनियम सॉल्ट। और इससे हम बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिनके नाम सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, दुनिया भर की रिएक्शन होगी, तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। लिखो इसको यहां तक। तो आपके पास क्या हो गया? डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस करते हैं, ये हमारा हीरो डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन करना चालू करो। एक्वास मीडियम है, ये होगा ही एक्वास मीडियम में। अगर आपने इसको गर्म किया तो क्या बन जाएगा? फिनोल। बिल्कुल सही है। अगर आपने इसको Cu2Cl2 में गर्म किया या हीटिंग की तो क्या हो जाएगा आपके पास? Cl पक्का, और आप साथ में HCl भी लग सकते हैं, कोई डाउट? HCl रखना पड़ेगा। और अगर आपने बिना CuCl2 के Cu रख दिया, कंजूसा ही कर दी, पहले तो आपने क्या लिया था? कॉप। बिल्कुल, Cu प्लस लिया है एक तरह से आपने, अब HCl लिया है तो भी बनेगा वो, लेकिन यील्डिंग कम रहेगी, वहां यील्डिंग ज्यादा रहेगी। सैंडमेयर रिएक्शन, हाँ, बिना हीटिंग, और इसको बोलेंगे गटर मान रिएक्शन। एक बार बताओ आपको रिएक्शन कहां करने में मजा आएगा, गटर के अंदर या जमीन पर? सैंड का मतलब जमीन ही हो गया, जमीन पर, सही है ना? तो मोर इफेक्टिव कौन है? ये सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने Cu2Cl2 की जगह Cu2CN2 ले लिया या CuCN, समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? HCN के साथ, तो फिर क्या होगा? CN लग जाएगा। और अगर आपने HNO HPO2, क्या है इसका नाम? H2PO2,
क्या बोलोगे इसको? H2PO2, H2PO2 तो नहीं होता, H3PO2 होता है। क्या नाम होता है? हाइपोफॉस्फोरस, हाइपो फॉस्फोरस एसिड होता है HCPO3, उसमें से एक ऑक्सीजन कम होना हाइपो। हाइपोफॉस्फोरस के साथ अगर आपने इसको गर्म किया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन, सिंपल बेंजीन, OH भी निकल जाएगा हाइपोफॉस्फोरस के। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सारी चीजें आपने अच्छे से कर दिया। हाँ, जो भी बनना है अपन रिडक्शन तो करेंगे करेंगे, तो हमारे पास N2 लिविंग ग्रुप हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, सारी चीजें अलग हो जाएगी। मेन आपका है टारगेट बेंजीन बनाना है जगह। ठीक है, और अगर आपने HF और BF3, HF प्लस BF3, क्या बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में? HBF4, यही बोलोगे? HBF4 के साथ रिएक्शन करा दिया आपने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन आ जाएगा। शिमिट ने ये बात बताई थी, तो शिमिट रिएक्शन, क्लियर है? सॉरी, शिमिट नहीं, शीमान रिएक्शन, SHIMANN, शिमान। शिमिट तो रिएक्शन अपन ने आज ही करी है। शिमिट रिएक्शन में तो अलग ही था, बिल्कुल। कौन सा लिया था? हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है ना, NH3, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें चेंज कर दिया था उसने? एमीन में, ठीक है ना। HN3 लिया था अपन ने, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? शीमान रिएक्शन, नाम याद कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या बोल दिया? शीमान। अगर आपने यही चीज, क्या नाम ले लिया? HBF4, लेकिन साथ में NO2 ले लिया कोई भी, कि NO2 क्या ले लिया आपने? यहां पर मैं ले रहा हूं NaNO2, HBF4, बताओ क्या ले लिया? NO2। तो क्या ले लूंगा मैं, NaNO2 या KNO2 ले लिया, तो फिर फ्लोरीन नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर भी अगर आपको लग रहा है तो Cu+ कैटलिस्ट का काम करेगा, Cu+। तो आप यहां पर ये भी ले सकते हो Cu2 NO2 2 या CuNO2, तो वो आपके लिए और NO2 में बरकत लाएगा, लिखो फॉर्मेशन में। अगर आपको NCS के NCS ले लिया तो क्या हो जाएगा? NCS आ जाएगा। Cu+ हमेशा यहां पर क्या करेगा? एक तरह से बरकत का काम करेगा, इसको कैटलाइज करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? NCS को क्या बोलोगे? आइसो थायो साइनेट, आइसो थायो साइनेट। एट तो लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन जब भी आता है एट, लेकिन ऑक्सीजन अगर सल्फर से रिप्लेस हो क्या है तो थायो एट, थायो साइनेट हो जाएगा वो इस जगह। हाँ बोलो बेटा। Cu2F2 जनरली यार फ्लोराइड का कंपाउंड्स कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड, हमारे पास नेचर में ज्यादा है तो सस्ता ही ले लेंगे, ले सकते हैं। बाकी हमारा कैटलिस्ट Cu+ है, हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि हम ये इसकी जगह डायरेक्टली ले लेते हैं Cu2F2 और HF लेने की कोशिश करें। देखो अगर ये दिया गया है तो बनेगा तो वही, लेकिन कई बार क्या होता है यील्डिंग का भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर हमारे पास एक और ऑप्शन हो रहा है, श्रीमान ने यही कहा, बाकी लोगे तो वही बनेगा, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं वहां। तो हमारे से ये तो नहीं पूछा जा रहा, बताओ कौन ज्यादा बेटर रहेगा इस जगह, लेकिन अगर है दिया है रिएजेंट तो आप बनाने में सक्षम हो, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो लिखिए इन सबको, सॉल्ट को हम देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एक तो ये बोर्ड के अंदर है, 12th बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा। दूसरा, डाइजोनियम सॉल्ट हम बोलते किसको है? इस चीज को अपन डाइजोनियम सॉल्ट बोल रहे हैं, यानी एक बेंजीन पे नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड 10,
आ गई बात समझ में? तो यहां पर क्या चार्ज आ रहा है इसके ऊपर? प्लस, हाँ या ना? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? डाइजोनियम सॉल्ट। आ रही है बात समझ में? अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का अगर अपन हाइड्रेशन करते हैं, ये मतलब एक ऐसा चीज है, पहले तो दिमाग में ये बनाए कि डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास बन कैसे रहा होता है। इसको बनाने के लिए हम सिंपल सा एनिलीन को HNO2 के साथ रखते हैं तो हमारे को डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस और सीएल प्लस। अब आप कौन सोचेंगे ये सीएल प्लस आ कहां से रहा है, क्योंकि HNO2 तो लैब में मिलता नहीं है, ये एक्वस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो हम ऑन द स्पॉट इसको बनाते हैं NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना? तो HNO2 बन जाता है हमारे पास उसी समय, ठीक है? अब डायजोनियम सॉल्ट बनाने का फायदा क्या है? इससे ऑलमोस्ट सारे एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाते हैं, यानी एमीन का अगर हम चाहें किसी भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी बेंजीन कंपाउंड में, बेंजीनोइड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसान होता है हमारे लिए। एनिलीन का क्या करो आप, HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ और ये कंपाउंड बना लो डाइजोनियम सॉल्ट। बना लिया आपने, क्या बना लिया आपने? डाइजोनियम सॉल्ट। इस डाइजोनियम सॉल्ट से अगर आपको फिनोल बनाना है तो सिर्फ H2 के साथ थोड़ा सा गर्म करो, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल। इस डाइजोनियम सॉल्ट की अगर HBF4 आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो आप क्या लोगे, HBF4 के लिए HF और BF3 इंडिविजुअली लेने पड़ेंगे, ठीक है? कि और साथ करोगे तो आपके पास, इस तरफ में ले रहा हूं HBF4, केवल HBF4 ले रहे हो तो फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन। और उसी समय अगर आपने NNO2 ले लिया, NaNO2, तो NO2 आएगा ना कि F आएगा। आ गई बात समझ में? तो अगर आपने NaNO2 नहीं लिया है तो फ्लोरीन आएगा, बेंजीन, तो फ्लोरो बेंजीन आपको कंपाउंड मिलेगा और इसको बोलेंगे हम शीमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे? शीमान। क्या बोलेंगे? शीमान रिएक्शंस। कुछ समझ में आई बात? तो ये तो हो गया हमारे लिए शीमान रिएक्शंस, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी, अगर आप यहां पर इसी डायजोनियम सॉल्ट को कॉपर और HCl के साथ देखेंगे, कॉपर नॉर्मल कॉपर हॉट ट्यूब ले लोगे और HCl के साथ, तो क्लोरो बेंजीन मिलेगी। क्या मिलेगी? क्लोरो बेंजीन। इसको बोलेंगे अपन गटरमान रिएक्शन। लेकिन अगर आपने कॉपर और HCl की जगह CuCl ले लिया, CuCl का मतलब Cu प्लस और Cl माइनस, या Cu2Cl2, तो रिएक्शन में वही होगा लेकिन पहले के कंपेयर में फास्ट होगी, यील्डिंग ज्यादा मिलेगी, प्यूरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है? तो उस कंडीशन में अपने को क्लोरो बेंजीन ही मिलेगी, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? सैंड मेयर रिएक्शंस। तो गटर में और सैंड मेयर में, सैंड को क्या बोलोगे? जमीन। आप कौन सी रिएक्शन पसंद करोगे, गटर में जाके रिएक्शन करना पसंद करोगे या जमीन पे करना पसंद करोगे? जमीन पे, क्योंकि इसमें यील्डिंग ज्यादा है। पक्का? अंतर क्या है? एक तो HCl से कर रहे हैं कॉपर और एक ले रहे हैं Cu प्लस कॉपर, Cu प्लस वाला कॉपर, एक नॉर्मल कॉपर और एक Cu प्लस कॉपर। कौन ज्यादा यील्डिंग दे रहा है? Cu प्लस। Cu प्लस अकेला तो होगा नहीं, तो Cu प्लस Cl माइनस या Cu2Cl2 बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो Cu2Cl में अपन क्या नाम देते हैं, गटर मान रिएक्शन या सैंड मेयर रिएक्शन, गटर मान या सैंड मेयर, सैंड मेयर श्योर। और नॉर्मल कॉपर ले लेंगे तो गटर मान। तो अपन ने तीन रिएक्शन पढ़ ली, BF4 के साथ फ्लोरीन, Cu प्लस HCl के साथ क्लोरीन बेंजीन के साथ, और CuCl और HCl के साथ भी क्लोरीन। इसको बोलेंगे सैंड मेयर, गटर मान और शिमिट रिएक्शंस, वो शीमन रिएक्शंस, शीमन रिएक्शन। समझ में आया? शीमन रिएक्शंस। अगर आपने CuCl की जगह CuCn ले लिया तो CN आ जाएगा, CuI ले लिया तो आयोडीन आ जाएगा, CuBr ले लिया Br आ जाएगा। पक्का? आयोडीन तो इतनी जल्दी आता है कि उसके लिए Cu नहीं भी लोगे ना, सिंपल Ki ले लोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि I स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आ गई बात समझ में? तो अगर आपने ये कह लिया, देखो ये यहां पर फटाफट आयोडीन Ki ले लो आप तो भी आ जाएगा, और अगर आपने HCPO2 ले लिया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन।
SCPO2 ले लिया तो क्या बनेगा, बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है। CuCN ले लिया, CN आ गया, CN का हाइड्रेशन कर दोगे COOH बन जाएगा, COOH का अमोनिया के साथ कर लोगे एमाइड बन जाएगा, COOH का रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्डिहाइड बन, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना, पक्का। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, कोई भी स्पेसिफिक, तो आप अलग तरह से कर सकते हो। अच्छा, CN का अगर आपने SNHCl के साथ रिडक्शन करा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में हो गया और उसके बाद हाइड्रेशन कर दिया, समझ में आ रही है, या आपने इसका स्पेसिफिक रिडक्शन करा और एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टीफन रिडक्शन, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा स्टीफन। लेकिन ये बात तो है कि इस कंपाउंड से, देखो मैंने फिर बोल रहा हूं, एन ये हमारे लिए क्या है, एमीन, एच एन ओ टू आपने लिया, एन ए एन ओ टू प्लस एस सी एल के साथ रिएक्शन करा, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, बन गया ना। उस डायजोनियम सॉल्ट से पूरी ऑर्गेन एरोमेटिक केमिस्ट्री आप ला सकते हो उठा के, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो नहीं ला सकते। ये देखिए, डायजोनियम सॉल्ट की के आई के साथ रिएक्शन करा दो, आयोडीन आ गया, डायजोनियम सॉल्ट की के एन सी एस, एन सी एस का नाम क्या होगा, पोटेशियम थायो, थायो क्यों, क्योंकि सल्फर बाद आ रहा है, ऑक्सीजन, साइनेट, साइनेट और आइसोसाइनेट लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट। अगर पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट कर लोगे तो एनसीएस हो जाएगा, पोटेशियम थायोसाइनेट की जगह पोटेशियम आइसोसाइनेट कर दोगे तो एनसीओ आ जाएगा, एसओ टू के साथ कर लोगे तो एसओ टू सी एल आ जाएगा। तो हर चीज ला सकते हो, जो लाना है वही कॉपर प्लस के साथ रख दो, आपका काम चल जाएगा, यस और नो। तो क्या नहीं बना सकते आप देख लो, अच्छे से ये उतार लिया, ठीक है।